बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें स्पेशली यूनरी ऑपरेशंस, जिसके अंदर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को आज हम डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के हमारे कंटेंट्स हैं, ओवरव्यू देखेंगे डेटाबेस में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा, उसका इसके बेसिक ऑपरेशन देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के, और इसके जो बेसिक ऑपरेटर हैं जिसमें एक सिलेक्ट ऑपरेटर है और एक प्रोजेक्ट ऑपरेटर है, उसको देखेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या चीज है। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल मॉडल के ऊपर वर्क करेगा। अब इसमें है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें बताया जाता है कि आपने उस रिलेशन के ऊपर क्या करना है और कैसे करना है। अब रिलेशनल मॉडल क्या होता है, कि ऐसा मॉडल जिसमें डाटा आपका रिलेशन मतलब टेबल की सूरत में वो सेव हो। द पर्पज ऑफ क्वेरी लैंग्वेज इज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटा बेस और परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑन डेटा। अब प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के जरिए हम लोग डिफरेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिस तरह से डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट, या फिर कुछ और मैनिपुलेट आप कर सकते हैं। अब रिलेशनल अलजेब्रा में बेसिकली दो ऑपरेशंस को कैटेगराइज किया गया है, उसमें सबसे पहला है बेसिक ऑपरेशंस और उसके बाद डिराइव्ड ऑपरेशंस। ये बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा का ओवरव्यू है, जिसमें रिलेशनल अलजेब्रा को दो ऑपरेशन यानी दो ऑपरेटर्स में डिवाइड किया गया है। एक बेसिक ऑपरेटर्स है इसके और एक है डिराइव, जिसे एक्सटेंडेड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बेसिक ऑपरेटर में क्या होते हैं, इसको मजबूत फर्दर दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है यूनरी ऑपरेटर और सेकेंड वन बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि ऐसे ऑपरेटर जो कि एक रिलेशन के ऊपर वर्क करते हैं, एक रिलेशन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक रिलेशन से मुराद जस्ट एक टेबल है, वही एज अ इनपुट होगा और वही एज अ आउटपुट होगा। उसके अंदर प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं, जैसे पाई, सिलेक्शन ऑपरेटर, सिग्मा और रीनेम ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली प्रोजेक्शन, सिलेक्शन या रीनेम वो एक ही रिलेशन के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, कि ऐसे ऑपरेटर जो कि दो रिलेशन या दो टेबल्स के ऊपर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से यूनियन ऑपरेटर्स है, दो रिलेशन का यूनियन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर सेट डिफरेंस का। इस तरह से अगर हम लोग सेकंड कैटेगरी में देखें तो ज्वाइन ऑपरेटर्स आते हैं, जो कि एक्सटेंडेड या डिराइव्ड ऑपरेटर में शुमार होते हैं, और इसके बाद डिवीजन ऑपरेटर है, और इसके बाद इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट ऑपरेटर है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर्स में देखते हैं सिलेक्ट ऑपरेटर क्या चीज होती है। सिलेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय सिग्मा and it is used to find the tuples or rows in a relation or table which satisfy the given condition. एक ऐसा ऑपरेटर है सिग्मा, यानी सिलेक्ट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें क्या कहता है, कि एक रिलेशन या एक टेबल में से डिफरेंट रोज को फिल्टर किया जाता है। किसके लिहाज से फिल्टर किया जाते हैं, जो कंडीशन आप अप्लाई करेंगे उसके लिहाज से। यानी एक ऐसा ऑपरेटर जिसने एक टेबल में से डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करके हमें टपल्स या रोज को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, सिलेक्ट ऑपरेटर कहते हैं। इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले ऑपरेटर सिग्मा, उसके बाद कंडीशन या प्रेडिकेट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद उस टेबल या फिर रिलेशन का नेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सेंटेक्स इस्तेमाल है, एक एग्जांपल दी गई है, सिलेक्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटाबेस फ्रॉम बुक्स। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो बेसिकली आपका सिग्मा यानी सिलेक्ट ऑपरेटर है, जिसने सिलेक्ट करना है रोज को, उसने फिल्टर करना है। अब कौन सी रोज को कहां से फिल्टर करना है, बुक्स एक रिलेशन है, एक टेबल है,
उसमें से रोज को फिल्टर कर रहा है। अब कौन सी रोज, कौन सा रिकॉर्ड हमें चाहिए जिसका सब्जेक्ट क्या हो, डेटाबेस, यानी सिलेक्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटाबेस फ्रॉम बुक्स, बुक्स के टेबल में से उन रोज को उसने फिल्टर करना है या सिलेक्ट करना है जिनका सब्जेक्ट का नेम क्या हो, डेटाबेस हो। आउटपुट है सिलेक्ट टेबल फ्रॉम द बुक्स द सब्जेक्ट इज डेटाबेस। इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या है, सिलेक्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटाबेस एंड प्राइस इज इक्वल टू 450 फ्रॉम बुक्स, यानी अब बुक्स के रिलेशन में से इसने क्या करना है, दो तरह की कंडीशन अप्लाई करके रोज को फिल्टर करना है। पहली कंडीशन क्या होगी, जिसमें सब्जेक्ट डेटाबेस हो, और सेकंड कंडीशन क्या हो, जिसकी प्राइस 450 हो। दोनों में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हो, उन दोनों में लॉजिकली ऑपरेटर जो कि एंड ऑपरेटर वे इस्तेमाल हो, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जब होंगी, जिसमें सब्जेक्ट डेटाबेस और उसकी प्राइस 450 होंगी, वो वाली रोज बुक्स के रिलेशन में से फिल्टर होकर हमें आउटपुट मिलेगी। आउटपुट देखें, सिलेक्ट टपल फ्रॉम बुक्स वेयर सब्जेक्ट इज डेटाबेस एंड प्राइस इज 450। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जिसमें क्या होगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटाबेस एंड प्राइस इज इक्वल टू 450। पहली कंडीशन तो ये है, बुक्स के रिलेशन में से सब्जेक्ट जिसका डेटाबेस और उसकी प्राइस क्या है 450, एक कंडीशन ये है। दूसरा क्या, आर ईयर इज ग्रेटर देन 2010। पहली कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट डेटाबेस हो और उसकी प्राइस 450 हो, या ईयर जिनका क्या हो 2010 हो, वो वाला जो टपल्स हैं, वो वाली जो रोज हैं, वो बुक्स के रिलेशन में से फिल्टर होके में मिलेंगे। आउटपुट देखें क्या, सिलेक्ट टपल्स फ्रॉम द बुक्स वेयर सब्जेक्ट इज डेटाबेस एंड प्राइस इज 450 आर दोज बुक्स पब्लिश्ड आफ्टर 2010, जो कि 2010 के बाद पब्लिश हुई। एक एग्जांपल है जिसमें एक रिलेशन है कस्टमर का, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और कस्टमर का सिटी है। ये सारे के सारे तीन हमारे पास कॉलम्स हैं, और इसमें रोज हमारे पास कितनी है, 5 रोज हैं। अब क्वेरी हमने क्या लगाई है, सिलेक्ट कस्टमर सिटी इज इक्वल टू आगरा। ऐसे कस्टमर हमें चाहिए किस में से, कस्टमर रिलेशन में से, जिन कस्टमर का सिटी क्या हो, आगरा हो। तो आप राइट साइड पे अगर देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, तो हमारे सामने क्या चीज मिलती है कि आगरा जिनका है, तो वो वाले कस्टमर क्या क्या आ जाएंगे, सिटी वाले लोग आ जाएंगे। अब इसमें देखें, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमने फिल्टर या कंडीशन किस पे लगाई थी, कस्टमर सिटी पे लगाई थी जिनका आगरा है, वो हमें जैसे इसके दो रिकॉर्ड्स में मिल रहे हैं। You can also use AND or ETC operator to specify two conditions. For example, select age is greater than 17 and gender is equal to male from students. अब इसकी आउटपुट क्या होगी, हमें वो वाली रोज रिटर्न करेगा स्टूडेंट टेबल में से, जिसके दो इंफॉर्मेशन वो मैच होंगी, जिसमें एक तो यह है कि उन स्टूडेंट्स का जेंडर मेल होगा और उनकी एज 17 ईयर से अबव होगी, उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब सिलेक्शन ऑपरेटर या सिलेक्ट ऑपरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट वन ये है कि इसमें आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर एंड आर नॉट और रिलेशनल ऑपरेटर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्शन के कंडीशन के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सिलेक्शन जो ऑपरेटर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वाले रोज या टपल्स हमें प्रोवाइड करते हैं या फिल्टर करके देते हैं जो कि कंडीशन उसकी ठीक हो रही होती है या सेटिस्फाई हो रही होती है। It does not display the selected tuple. एक और भी बात है कि जो सिग्मा ऑपरेटर है, ये रोज को सिलेक्ट करता है बट डिस्प्ले नहीं करता। इसकी सिलेक्ट करने के बाद इसकी डिस्प्ले के लिए हमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट ये है, सिलेक्शन ऑपरेटर ऑलवेज सिलेक्ट द एंटायर टपल, इट कैन नॉट सिलेक्ट अ सेक्शन और अ पार्ट ऑफ टपल। पूरी की पूरी रो हमें फिल्टर करके देगा, उसमें से कुछ पार्ट, यानी एक रोज के कंप्लीट, जो पूरी कंप्लीट रो है वो हमें दिखाएगा, वो फिल्टर करके देगा, उसमें से हाफ रो दिखाए हाफ ना दिखाए ऐसा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑपरेशन इज सेम एज अ डिग्री ऑफ द इनपुट रिलेशन। अब डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी तादाद को हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं।
अब सिलेक्शन ऑपरेटर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग को सिलेक्शन ऑपरेटर की कंडीशन लगाएंगे तो डिग्री ऑफ जो रिलेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी हमें क्या रोज मिलेंगे, बट रोज में जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी उसके फील्ड्स होंगे, वो सारे के सारे डिस्प्ले जरूर होंगे। फिफ्थ पॉइंट पे ये, द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय सिलेक्शन ऑपरेटर इज ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल टेबल। हाँ, ये हो सकता है अगर एक टेबल के अंदर 10 रोज हैं, हमारे कंडीशन को चार जो रोज है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें चार रोज मिलेंगे और छह जो रिमेनिंग वो नहीं मिलेंगे। रोज इसका मतलब फिल्टर होके हमें मिलती है, तो उनकी तादाद ज्यादा या कम हो सकता है। उनकी जो मिनिमम कार्डिनलिटी वो जीरो हो सकती है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी वो पूरे पूरे टेबल के अंदर जितनी भी रोज है वो हमें सारी मिल सकती है। कार्डिनलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या होता है कार्डिनलिटी, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं उनकी तादाद को डिग्री कहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं उनकी तादाद को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। अब वो कार्डिनलिटी जीरो भी हो सकती है, यानी कोई भी रो फिल्टर नहीं होकर मिल सकती, और हो सकता है कि पूरा का पूरा हमें टेबल मिल जाए। डिपेंड करता है सिलेक्शन के साथ हमने कंडीशन क्या लगाई है। एंड सेकंड ऑपरेटर जो है वो है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। अब ये प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय प्रोजेक्ट सिंबल एंड इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डिजायर्ड कॉलम फ्रॉम अ टेबल और रिलेशन। अब बेसिकली सिलेक्शन में हम लोग किसी भी रिलेशन में से कंडीशन लगा के रोज को सिलेक्ट करते थे, उस कंडीशन के ऊपर जो सेटिस्फाई होती थी। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ऊपर कंडीशन के थ्रू कॉलम जो है ना, हम उसको बेसिकली फिल्टर करते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, प्रोजेक्ट कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, कॉलम नेम सो ऑन एन फ्रॉम टेबल नेम। यानी हमें वो वाले कॉलम्स जो हमें प्रोजेक्ट करवाने हैं उस रिलेशन जो टेबल में से, उनके नेम यहाँ राइट करेंगे कंडीशन में, और एट द एंड उस टेबल का रिलेशन का नेम लिखेंगे जिसमें से वो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स को हमने फिल्टर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट एंड अथर फ्रॉम बुक्स। अब बुक्स के रिलेशन में से हमें सब्जेक्ट और अथर का जो कॉलम्स हैं ये दो, ये हमें चाहिए, ये फिल्टर करके दे देगा और रिमेनिंग को क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट कॉलम नेम एज सब्जेक्ट एंड अथर फ्रॉम द रिलेशन बुक्स। प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स में एक एग्जाम्पल देखें, एक कस्टमर है, वो वाला पुराना टेबल है इसमें सिलेक्शन के एग्जाम्पल में से, इसमें तीन कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी। अब इसमें प्रोजेक्ट की क्वेरी क्या लगी हुई है, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर कस्टमर रिलेशन में से कस्टमर का नेम और उसकी सिटी हमें प्रोजेक्ट करवाना है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सारे के सारे कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी वो सारे हमें प्रोजेक्ट होके मिल जाएंगे, और कस्टमर आईडी ये हमें फिल्टर नहीं होके मिलेगा क्योंकि प्रोजेक्ट में हमने इस क्वेरी के अंदर कंडीशन के अंदर इसको मेंशन नहीं किया। एक और एग्जांपल ले ले, एक प्रोजेक्शन है, हियर द प्रोजेक्शन ऑफ कस्टमर नेम एंड स्टेटस विल गिव। वो क्या होगा, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम एंड स्टेटस फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर्स में से हमें क्या चाहिए, उस कस्टमर का नेम और उसका स्टेटस चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से हमें कितने कॉलम मिलेंगे इस रिलेशन में से, इसमें मैं सिर्फ दो कॉलम जो लास्ट वाले हैं कस्टमर नेम और स्टेटस में वो प्रोजेक्ट होके मिल जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। कस्टमर आईडी हमें नहीं चाहिए तो वो हमें नहीं मिलेगा। फाइनली हमारे सामने रिजल्ट है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के। सबसे पहला पॉइंट है, डिग्री ऑफ आउटपुट रिलेशंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मेंशन इन द एट्रीब्यूट लिस्ट। उस कंडीशन के अंदर, प्रोजेक्शन की कंडीशन के अंदर जितने भी हम लोग एट्रीब्यूट का नेम लिस्ट करेंगे, उसकी डिग्री जो होगी रिलेशन की वो ही रहेगी, सेम रहेगी। मतलब उस लिस्ट के अंदर अगर हमें दो कॉलम चाहिए तो आउटपुट में भी हमें दो कॉलम जस्ट मिलेंगे, तो नंबर ऑफ लिस्ट के एट्रीब्यूट्स की और उस टेबल्स की जो है ना डिग्री वो सेम रहेगी। प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑटोमेटिकली रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स। अब इसमें ये होता है प्रोजेक्शन के अंदर कि अगर डुप्लीकेशन हो, जितने भी नंबर ऑफ रोज अगर डुप्लीकेट हो रही हो तो वो सारे के सारे रिमूव हो जाती है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म वर्टिकली पार्टीशन ऑफ रिलेशन, जी किसी भी रिलेशन के जो है ना वर्टिकली पार्टीशन उसको वो फिल्टर करता है।
एंड देन लास्ट इसका जो ऑपरेटर था किसमें यूनरी ऑपरेटर में वो था रीनेम। रीनेम बेसिकली ऑपरेटर का ऐसा ऑपरेटर है जो कि ऑलरेडी रिलेशन का जो है ना नेम वो चेंज कर देता है। रीनेम ऑपरेटर रिलेशन टू कॉमा रिलेशन वन, इसमें जो रिलेशन टू रीनेम स्टूडेंट रिलेशन टू स्टूडेंट वन वी कैन यूज यूजर नेम ऑपरेटर। लाइक अगर हमें यूजर स्टूडेंट से स्टूडेंट वन अगर हमने रीनेम करना है तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट वन वो वाला रिलेशन का नेम मेंशन करना है पहले जो हमने नया रखना है, और उसके बाद वो वाला रिलेशन का नेम लिख रहे हैं जिसको हमने चेंज करना है। इफ यू वांट टू क्रिएट रिलेशन स्टूडेंट नेम्स विद रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट इट कैन बी डन यूजिंग द रीनेम ऑपरेटर। अगर हमें स्टूडेंट नेम एक नया रिलेशन रखना है जिसके अंदर रोल नंबर और उसके नेम आने चाहिए प्रीवियस जो कि स्टूडेंट टेबल में से, तो उसकी क्वेरी ये है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार भी दीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।